जय हिंद दोस्तों, मैं ही पीयूष और आज की इस वीडियो में मात्र 10 दिनों में क्लास टेंथ इंग्लिश 2023 की तैयारी आपको जिस तरीके से करनी है आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ बताऊंगा, पूरे तरीके बताऊंगा, फुल ट्रिक बताऊंगा और इसमें टिप्स भी दूंगा कैसे आप तैयारी करेंगे जिससे कि आप 95% ला लें, 100 ला लें। अब क्या सोचेंगे आप 95% 100 ला सकते? नहीं। अब यहाँ पर क्या चीज़ होगा, आप देखिए बातें कड़वी लग सकती हैं क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ मात्र 10 दिन तैयारी करके कोई भी बच्चा 95 में नहीं ला सकता, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आप पिछले कुछ टाइम में पढ़े हैं, अगर आप अभी सोच ये देखिए, अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आप नॉर्मल तो 30 से 40 नंबर ऐसे रहते हैं जो आप आराम से ला सकते हैं। अब 40 इधर हो गए और 30 नंबर आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के, मतलब 70 नंबर ला सकते हैं आसानी, 70 से 75 नंबर। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े तो आप 70 से 75 नंबर ऐसे ला सकते हैं जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ इस तरीके से। और अगर आप ये सोच कर आए हैं कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप 90+ ला लें तो भैया आप लोग वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक। बातें कड़वी लग सकती हैं, जिनको वीडियो देखना है देखिए। आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए इसमें से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं, सभी नहीं लेकिन काफ़ी ऐसे आ जाएंगे कि वो सोचेंगे बस 5-10 दिन में पढ़ के और पूरे साल कुछ ना करके वो 97 ला लें, जिला टॉप यूपी टॉप करने की ख्याल रखते हैं। नहीं, अगर उतना करना है तो आपको शुरू से भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं, हम ज़्यादा आपको समझना आते हैं। सावधान मैंने क्यों लिखा है, मैंने इसीलिए लिखा है सावधान क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत ही कम है, मात्र 10 दिन में करना है फुल ट्रिक के साथ। सबसे पहला, फिक्स्ड मार्क्स पे फोकस करो। पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है, फिक्स्ड मार्क्स पे फोकस करो, मतलब जो फिक्स्ड नंबर है, एकदम नंबर जो हमारे फिक्स है। अब किस प्रकार से फिक्स्ड नंबर, जैसे लेटर एप्लीकेशन हो गया, मैंने एक वीडियो बनाई है लेटर और एप्लीकेशन पर, सिर्फ आप वही अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके पूरे लेटर एप्लीकेशन उसी में से आएंगे। आपको मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जाकर आप देख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें से कि लेटर और एप्लीकेशन ये कितने नंबर के लिए आता है, आपसे 4 नंबर के लिए पेपर पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसे। अब ये सब जो चीज़ें हैं, एक एक घंटे के टॉपिक है, बहुत ज़्यादा टाइम में सब नहीं लगाएंगे, एक एक घंटे में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा है इसे, इससे मतलब निबंध, निबंध आपसे पूछा जाता है 6 मार्क्स के लिए, 6 मार्क के लिए आपसे निबंध पूछा जाता है। अब मुझे पता है कि आप में से सभी बच्चों का 6 में 6 नहीं आएगा, कुछ का 4 आ सकता है, कुछ का 5 आ सकता है, तो आपका मान लीजिए 5 आ गया। और आपको देखने के ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि फिक्स्ड नंबर आते हैं, जैसे कि आप चलिए यहां पर आपको बताता हूं, ट्रांसलेशन, ये सब टॉपिक जो है आपको पहले अब तैयार करने हैं। ट्रांसलेशन का मतलब आपको 4-5 ट्रांसलेशन कर लेने हैं। उसके बाद अगर देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है, एक ट्रिक आप देखिएगा, ये 4 नंबर के आता है, अगर आपको नहीं आ रहा है ना ही इससे आ रहा है ना ही ट्रांसलेशन, तो आप लोग छोड़ कर मत आइएगा, खाली कॉपी छोड़कर नहीं आनी, ठीक, खाली कॉपी छोड़कर आपको नहीं आनी है। अगर खाली कॉपी छोड़कर आएंगे तो 6 में से अगर आपको देखिए खाली छोड़ेंगे तो 6 में से 0 मिलेगा, वैसे अगर आप लिख देंगे गलत भी लिखे हैं तो एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पास हो, वो ये नहीं चाहता कि आप फेल हो जाएं। आप गलत भी लिखें तो 6 में से वह आपको 3 या 4 नंबर तो दे ही देगा आपके गलत आंसर पर भी। तो यह भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम अगर गलत लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या सोचेगा, भाई वो कोई आपका रिश्तेदार नहीं है, क्या सोचेगा। आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है, लिखने का तरीका जानिए, इससे कैसे लिखा जाता है, इन सभी पे मैं वीडियो बनाया हूँ ऑलरेडी, उनको जाकर देखिए, ट्रांसलेशन वाली वीडियो हमारी देखिए। और हाँ, मोबाइल पर स्कूल चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, वीडियो को जरूर से लाइक करते रहा करिए। आइए देखते हैं नीचे, अब हमारी बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से बहुत लोग कतराते हैं, लेकिन यही आपके लिए एक रामबाण तरीका है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब देखिए यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे रामबाण तरीका है, ये मैं आपसे कुछ जो आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दूं, जैसे ही आप एक लॉन्ग आंसर तैयार करेंगे उसमें आपके 4 शॉर्ट तैयार हो जाते हैं। आप लोग फोकस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पर, लेकिन आपको फोकस करना है लॉन्ग भी। शॉर्ट रहेगा अगर 10 लाइन का तो लॉन्ग हो सकता है 25 लाइन का, लेकिन इसी 25 में पूरे आपके 4 से 5 शॉर्ट कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसमें आपको मान लीजिए 20 से 30 नंबर आपके क्वेश्चन आंसर से भी आते हैं। और 20 से 30 अगर आप कह रहे हैं 25 आप ला सकते हैं याद करके।
अब हाँ, अगर इतने आपको नहीं याद होते 25, तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों सिंपल सा ट्रिक जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, पेज को खाली नहीं छोड़ना। जैसे आगे आपको क्वेश्चन हु वॉज लेंचो, हु वॉज लेंचो, आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है कि लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, तो आप लिखिए लेंचो वॉज ए मैन हु लिव्ड इन विलेज। ऐसे ऐसे करके बनाइए, दिमाग आपके कुछ है, कुछ दिमाग में है, कुछ भेजा है, तो उतना बनाइए, उसको यूज़ करिए उस तरीके से। इसी प्रकार से आपको लिखना, अगर कुछ नहीं आ रहा है, कोई भी आंसर क्वेश्चन आ गया, आपको लिखना जरूर है, छोड़ के नहीं आना। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ 100% एग्जाम में आपको नंबर जरूर से देगा, आपका नंबर काटेगा तो नहीं एटलीस्ट। ठीक, अब इसके बाद जो पोयम है, हाँ पोयम, और ये जो आपका हो गया सेंट्रल आइडिया, 7 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, पोयम से आपको मिल जाएगा और सेंट्रल आइडिया से मिल जाएगा, नहीं तो जैसे हाँ पोयम से आपको 3 नंबर मिल जाएगा, सेंट्रल आइडिया 3, तो मतलब 6 या 7 नंबर के लिए आएगा। आप देख लीजिएगा इसे, 6-7 नंबर के लिए पोयम सेंट्रल आइडिया से आएगा। फिर आता है अनसीन पैसेज के लिए, अनसीन पैसेज या पैराग्राफ, इससे भी आपके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। इसको आप तैयार करिएगा, अनसीन पैसेज पैराग्राफ, ये सब जितने टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक घंटे वाले टॉपिक बता रहा हूँ, एक आवर बैठेंगे कंप्लीट करके उठ जाएंगे। डेली 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में आपको सिर्फ 20 टॉपिक तैयार करने, 20 टॉपिक तो आपको डेली 1 से 2 घंटे में देने हैं। 2 घंटे में आप अगर 70 नंबर ला ले रहे हैं, 70 से 75, तो क्या जाता है, आप ही बताएं, आपका कुछ जा रहा है? 2 घंटे पढ़ के 70 से 75 ला ले रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं जा रहा है ना। फिर इसके बाद जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आता है आपके? 20 नंबर के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपसे 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और 20 नंबर में आपका इसमें काफ़ी सारी चीज़ ग्रामर से पूछी जाएंगी, ग्रामर से जो रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, और ऐसे ऐसे करके ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे। और 20 में अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो 15 तो उसका सही होगा जो अच्छे से पढ़ा होगा, 10 भी नहीं तो हाँ 8 तो सही हो जाएगा आपका। ठीक, ये मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ जो कि पढ़ाई नहीं की। अगर आप पढ़ाई किए तो बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे से दीजिए पेपर, लेकिन पढ़ाई नहीं किए फिर भी आप अगर 40 नंबर ला ले हैं, 40 से 45, और टोटल ला ले रहे हैं अगर 70 से 75, तो क्या जाता है, आप ही बताएं, कुछ जा रहा है आपका? 70-75 ला ले रहे हैं बिना कुछ पढ़े, उनके लिए एक वरदान ही साबित हो जाएगा। जो अनपढ़ लोग हैं वो भी ला लेंगे। अनपढ़ का मतलब यहाँ से आप वो मत समझिएगा कि आपको कुछ लिखना नहीं आ रहा है, नहीं, लिखना आपको आना चाहिए। बोर्ड की कॉपी में प्रेजेंट करना, आप कम लिखकर ज़्यादा नंबर कैसे पाएं, इस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बताइएगा कि भैया कम लिखकर ज़्यादा नंबर कैसे पाएं, उस पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। क्योंकि देखिए एग्जाम में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स यूज होती हैं जिसमें कि आप इतना कम लिखेंगे ही आपको इतना बड़ा नंबर मिलेगा, वहीं पर बहुत बच्चे इतना बड़ा लिखते हैं आपको उनको इतना कम नंबर मिलता है, वो क्यों होता है, वो क्या गलती कर देते हैं, वो सब चीज़ें भी मैं आगे बताऊंगा। आप कमेंट करिएगा, अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए यस भैया हमको चाहिए वीडियो कि कम लिखकर ज़्यादा नंबर कैसे पाएं, ऐसे कुछ कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए। वीडियो को प्लीज आप लोग 1K लाइक 1000 लाइक जरूर से करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।